अपने घरों में भाजपा के लोगों ने भी राहुल गांधी की फोटो लगानी शुरू कर दी है और राहुल गांधी को प्यार देना शुरू कर दिया है। इन्होंने मीडिया को बोटियां फेंक रखी हैं और इनकी बोटियों के आगे मीडिया पूछ लाती है। बाबा जी के बच्चों को मारने वाले लोग उन हिंदू राजा भी थे शामिल जो औरंगजेब के साथ मिल गए थे। आज यह तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं गिन्नी जी जो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पहले सबसे पहले तो राहुल गांधी की यात्रा में इनकी टी शर्ट भी बहुत चर्चा में रही है। तो गिन्नी जी, पहले तो अभी आपको शुभकामनाएं कि आपका नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है, हमें पता चला है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जी की टी शर्ट के बाद आपकी भी टी शर्ट जो है चर्चा में रही, तो क्या लगता है राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आपने सॉन्ग का जिक्र किया, वो सॉन्ग हमारा आज ही जो उसके कुछ लाइनें हैं जब हमने ट्रेलर का रिलीज़ किया तो उसी को लेके लोगों ने हमें कंट्रोवर्शियल शुरू कर दिए बातें, आप समझो। उसके गाने की जो लाइनें हैं, वो शुरुआत का जो लाइन है वो ये है कि हिंद की चादर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने दो, वो तोड़ रहे हम जोड़ रहे, ये कैसी आपाधापी है, हक मांगो तो लठ मिलता है, ये कैसी भला आज़ादी है। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई क्या हम लोग गुलाम हैं, आज़ादी की बात कर रहे हो, कौन सी नफरतें देश के अंदर। आप मुझे ये बताइए, नफरतें कहाँ नहीं हैं? आज पूरा देश जो है वो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। आज धर्मों को देख के लोगों को टारगेट किया जाता है, एक धर्म के नाम पर फिल्म टारगेट की जा रही है, आप समझो। तो आज हमारे देश के अंदर, आज जब तक देश में नफरतें विद्यमान रहेंगी, देश कभी प्रगति नहीं करता। कोई भी एक इंसान सोचे कि मैं किसी एक धर्म से देश को आगे बढ़ा दूंगा तो कभी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए लोगों को नफरतों को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी की यात्रा का आपने जिक्र किया तो ये मील का पत्थर बनने वाली है, आप समझना इस बात को। ये बदलाव की एक लहर है, ये हमारे देश को जोड़ने का एक नारा है, ये हमारे देश में भाईचारे का पैगाम है, ये मोहब्बत का संदेश है, ये एक ऐसा संदेश है जो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। अपने घरों में भाजपा के लोगों ने भी राहुल गांधी की फोटो लगानी शुरू कर दी है और राहुल गांधी को प्यार देना शुरू कर दिया है, ये चीज है। और थोड़े दिन तक हमें तो ऐसे लगता है कि जम्मू तक, कश्मीर तक पहुंचते कहीं प्रधानमंत्री के मन में बदलाव ना हो और वो भी कहीं यात्रा के साथ ना जुड़ जाए, हमें तो ऐसा भी लगता है। मील का पत्थर आप बता रहे हैं, मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन पंजाब में तो नकारा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है वहाँ पे, राहुल जी की यात्रा की इतनी खास चर्चा है ही। आप एक छोटी सी बात को समझ के चलो, पंजाब के आज जो लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं राहुल गांधी के साथ में। कांग्रेस का वहाँ पे समर्थन बहुत पहले से है, आज भी बहुत से लोग हैं। कुछ गरीब तबके के लोगों ने लालच में आकर के आम आदमी को जरूर चुन लिया, पर आज वही आप जाओगे तो भगवंत मान के पोस्टर जलाते हुए नजर आएंगे। दोबारा किसान सड़कों पर है, किसी को पता लगा? आप समझो, पुलिस वालों से भिड़क हो रही है, दोबारा किसी को पता लगा? क्योंकि आज मीडिया खामोश बैठा हुआ है। आम आदमी हो या मोदी सरकार हो, इन्होंने मीडिया को बोटियां फेंक रखी हैं और इनकी बोटियों के आगे मीडिया पूंछ लाती है। और इसकी वजह से हमारे देश में जो सच होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ और सिर्फ सच जो होता है, जो सिर्फ सच और सच होता है वो दबके रह जाता है, पर सच की आवाज हमेशा दबती नहीं है। वो जब ये आपको लगता है कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, लाखों की तादाद में भीड़ के हिस्सा शायद आप भी बने हो यात्रा का, मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी आपको यात्राओं में देखा है। तो जब जनाधार नहीं है, जब जनाधार नहीं है तो आप क्या करने जा रहे हो यात्रा के अंदर? जनाधार देखने के जा रहे हो? वहां पे राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ लाखों आदमी सड़कों पे चल रहे हैं, ये जनाधार ही तो है। ये आपको लगता होगा मदारी, आज मोदी जी मदारी से कम है क्या? फिर मोदी जी को देखने तो कोई नहीं आया, आप समझो, कौन आता है मोदी जी को देखने के लिए? अकेला आदमी गुफा में से निकलता, हाथ हिलाता है, आप ये बात बताओ, जिसको देखने के लिए कोई नहीं आता, जिसको ये नहीं पता जनसंख्या किस तरीके से की जाती है, रुपए में जनसंख्या को नाप रहे। उसके बाद उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया, आपने सुना नहीं शायद? आप लोग एक पहलू पकड़ते हो, और जिन्होंने अपनी कमिटमेंट करने के बाद शब्द बोलने के वापसी भी नहीं लिए, उनको क्या बोलोगे आप? मेरी बात सुनो, मोदी जी ने क्या बोला, देश की आबादी की थी 600 करोड़ मतदाताओं, आज तक करेक्शन नहीं हुई। राहुल गांधी तो वो जिक्र कर रहे थे पैसों का, कि किसके पास कितना पैसा है, कितना देश को लूट लिया, तो उसके बाद उन्होंने 140 करोड़ जनता का एक सेकंड में बदलाव कर दिया, आप समझो। ऐसे यहाँ आते और लीटर की बात हो रही थी, उस समय भी हर चीज लीटर का जिक्र हो रहा था, आप समझो। जब महंगाई पे हल्ला बोल रैली थी, उस समय भी सबको लीटर की बात हो रही थी, कि पेट्रोल की बात, डीजल की बात, तो एकदम से आटे का जिक्र हो गया, दूध की बात हो रही थी, तो उन्होंने उसको भी एकदम 5 सेकंड के अंदर करेक्ट कर दिया था। अरे मेरी बात सुनो, आप ये मेरी बात सुनो, पप्पू की बात नहीं है, पप्पू तो आज आके देश के लोग बने बैठे हुए हैं जो समर्थन देने को तैयार नहीं है, आज वो लोग बने बैठे हुए धर्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हुए हैं, आप समझो इस बात को। मैंने आपको क्या बोला, धर्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हैं, एक्चुअल में वो अंधभक्त जो लोग हैं वही पप्पू हैं, उनको यही नहीं पता। राहुल गांधी छवि को चर्चा में था कि राहुल गांधी तो है ही नहीं, मर गया राहुल गांधी, है ही नहीं, तपस्वी निकल गया है ना, मेरी बात सुनो। हाँ सही बोला उन्होंने,
राहुल गांधी के ऊपर अभी एक किताब भी लिखी जाएगी जो मैं लिख भी रहा हूँ, भारत की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर, सुन लो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर यात्रा में, और उसमें हम बिल्कुल लिखेंगे कि राहुल गांधी से तपस्वी तक, ये टाइटल होगा किताब का कि राहुल गांधी तपस्वी क्यों लगाना पड़ा, कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है इसलिए तपस्वी लगाना पड़ा। तपस्वी इसलिए हुआ कि जो सभी लोगों को, सभी धर्मों को, इंसानियत की बात करने वाले इंसान है वो तपस्वी होते हैं। जो आज हमारे देश के अंदर मोदी जी को भी कहा जा रहा है तपस्वी, तो वो भी है क्या, काहे के तपस्वी, घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, समाज सेवा के लिए निकल पड़े। जो आदमी अपने परिवार को छोड़ दे वो तपस्वी नहीं होता, तपस्वी भी होता सबको साथ लेके चलता है, पर आज सबसे बड़ी तपस्या इंसान की घर से शुरू होती है। चलने के लिए अपने घर का त्याग कर दिया मोदी जी, ये आपको लगता है त्याग कर दिया, सातों के सातों भाई जो है फाइव स्टार होटलों में रोटियां खाते हैं, समझो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे लोग कहां से कहां पहुंच गए, तो ये सोचने की बात है, ये लोग किसी भी तरीके से आपको लगता हो कि देश को जोड़ने वाले हैं, नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। क्या चीज, एक टी शर्ट में चल रहे इसलिए तपस्वी, नहीं तपस्वी इसलिए हो गए क्योंकि वो भाईचारे की बात करते हैं, वो इंसानियत का पैगाम देते हैं। तपस्वी आदमी वो होता है जो एक संत होता है, तपस्वी आदमी वो होता है जो देश में नफरत के खिलाफ, योगी जी भी तो हैं, पुजारियों का, संतों का तो देश ही नहीं है, सबका देश है, हाँ सबका देश है, यही तो बात है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बोलता रहूँ, आज अगर देश सिर्फ एक धर्म का हो तो ये पुजारियों का होगा, अगर एक देश के अंदर आज सभी धर्मों का सम्मान होगा तो देश पुजारियों का नहीं इंसानियत का होगा, तो ये समझने की बात है। तपस्वी हैं राहुल गांधी, बिल्कुल तपस्वी हैं, पहले पुजारी बनते फिर तपस्वी बना, तो आप मेरी बात सुनो, आज आप मेरी बात सुनो, तपस्वी सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने वाले नहीं होते, शायद आपके ज्ञान में कमी है, तपस्वी वो होते हैं जो देश में प्यार बांटते हैं, आप समझो इस बात को, देश में नफरत बांटते हैं। ये आपको लगता है कि मंदिर में घंटियां बांधने से, आपको लगता है कि, मेरी बात सुनो, आज जिन्होंने मूर्ति पूजाओं का विरोध किया वो तपस्वी नहीं थे क्या, आप समझो, आज हमारे गुरु नानक देव जी तपस्वी नहीं थे क्या, उन्होंने तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, तो आज सोचने की बात ये नहीं है, तो आप बन जाओ, फिर आप पुजारी बन जाओ, मंदिर की घंटियां बजाओ और उसके बाद आप तपस्वी का नारा ले लेना, ये कोई टैग थोड़ी ना है, ये कोई टैग थोड़ी ना कि पहले आप मंदिर की घंटियां बजाओगे तो वो बन जाओगे। तपस्वी वो आदमी होता है जो देश को जोड़ने की बात करता है, तपस्वी वो आदमी होता है जो लोगों की गालियों का भी फूल से स्वागत करता है, तपस्वी वो आदमी होता है, बात बोलने दोगे पूरी, अखंड भारत की बात कीजिए, अखंड भारत तो हम बना रहे हैं ना, अखंड भारत आप तोड़ रहे हो, आप जैसे लोग जो होते हो, आप जैसे जो लोग होते हो वो देश को तोड़ने का काम करते हो, बगल में आओ, बहस पूरी करेंगे, आओ बगल में आओ, आज इनके साथ ही बहस करो, आप बताओ तपस्वी कौन होता है, इससे बताओ, मैं नहीं कह रहा हूं तपस्वी कौन है, ये बताओ, आप बताओ तपस्वी कौन है मीडिया को, अरे नहीं नहीं हमें बताओ तपस्वी कौन है, अरे सामने देखो मीडिया को बताओ तपस्वी कौन होता है, आप अपना ज्ञान बांटो, सुन तो हम सुन रहे हैं, कांग्रेस विपक्ष, नहीं नहीं आप विपक्षी हो, आप बताओ तपस्वी कौन है, कौन है तपस्वी, कैसा होता है तपस्वी, ये बताओ, मैं विपक्ष का थोड़ी ना हूं, अरे तो मैं क्या विपक्ष, ना ना आप तो बीजेपी से पैसा लेके पत्रकारिता कर रहे हो, आपको तो बीजेपी वाले फंड देते हैं आपको पूरे के पूरे, आप समझो कांग्रेस को, हम तो देश का खाते हैं, अपने हम देश की मिट्टी खाते हैं, हम तो देश की मिट्टी खाते हैं, पर आप मुझे बताओ कि तपस्वी कौन होता है, आप तपस्वी की भाषा बताओ यार, हमने आप ये तपस्वी बताएंगे तो हम बता रहे हैं, आप बीच में टोकना मत। तपस्वी वो आदमी होता है जो देश को जोड़ने की बात करता है, तपस्वी वो आदमी होता है कि गाली भी दो तो मुस्कुरा के जवाब देता है, तपस्वी वो आदमी होता है जिसके बाप का कत्ल कर दिया जाए उसके बाद भी वो लोगों को माफ कर देता है, वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है जिसके बाप के शिशड़े उड़ा दिए गए पर उसके बाद भी उसने बोला इनको माफ कर दो, उसका रोज मजाक उड़ता है, वो मुस्कुरा के जवाब देता है, बोलता है इनका कर्म है। आज राहुल गांधी के लिए आज भाजपा के लोगों को रोटी चलती है, आप समझो अंधभक्तों का खाना चलता है, आज इन लोगों को 500-500 रुपए मिलते हैं, 500-500 रुपए इनको मिल करके पैसा दिया जाता है कि जाओ, आज देश में जो बेरोजगार लोग हैं ना आज उनको भाजपा वाले हायर करते हैं, ऐसे बेरोजगार लोगों को रोज का धंधा मिला हुआ है कि राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट रीट्वीट करो 2 रुपए मिलेंगे, ऐसे लोग होते हैं जो कमाइयां करते 2-2 रुपए के अंदर देश को बेचते हैं, तो जो हमारे मैं आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तो एक बात कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोग जो 2-2 रुपए के अंदर ईमान बेच देते हैं, जो ट्वीट के अंदर जो ट्वीट करते हैं रीट्वीट करते हैं, अंधभक्त होते हैं, देश को तोड़ने वाले होते हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी मुस्कुरा के आपके खजाने खाली हो जाएंगे, जितनी भीड़ है ना यात्रा के अंदर खजाने खाली हो जाएंगे, आपके घरों के भांडे बिक जाएंगे, यात्रा को एक दिन का खर्चा आपको उठाना पड़ गया, जो बंदे 500-500 रुपए में लोगों को बुलाएंगे, अरे हम जैसे कार्यकर्ता है कांग्रेस के जो अपनी जेब से 1000 रुपया लगा करके कांग्रेस की यात्रा में चलते हैं, अपनी जेब से लगा करके वहां पे लंगर लगाते हैं, किसान आंदोलन चाहे हो या देश में जो प्रदर्शन हो, आज हर समाज का लोग एकजुट खड़ा हुआ है, पर आज हमारे देश के अंदर नफरत बांटने वाले लोग
उनका खात्मा करना बहुत जरूरी है, वरना ये नफरत एक दिन आपको इस कगार पे खड़ा कर देगी कि आप अपने देश के अंदर खुद दीवारों पे सर मारोगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप समझो मेरी बात, सुनो, आपने गाने का जिक्र किया था ना, उसी के अंदर मैं दो लाइने बताता हूँ। ये मेरे गाने की, हिंद के चादर गाने की कल रिलीज हो रहा है, उसमें दो लाइने हैं कि नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता, पर सहारा नहीं मिलता। ये हमारा देश है, हम नफरत खत्म करके रहेंगे, मुल्क जोड़ के रहेंगे, भाईचारे का पैगाम देके रहेंगे। और कल सब लोगों से कहूंगा कि आप लोग सुनना, हिंद की चादर मेरा नया सॉन्ग है, जिसके अंदर हमने हिंद की चादर क्यों रखा है, उसका टाइटल क्यों रखा है हमने। हम गाने का प्रमोशन तो हमारा ऑलरेडी हो गया, वो आपको भारत जोड़ो यात्रा में सुनने को मिलेगा, उससे ज्यादा प्रमोशन आपका चैनल नहीं कर देगा। आप समझो, जो 500,000-2,000 व्यू में खत्म हो जाएगा ना, मेरी बात सुनो, जो 500-2,000 व्यू में खत्म हो जाएगा वो आप प्रमोशन नहीं कर सकते। और हमारा गाना सड़कों पे बजेगा, लोगों के कानों में बजेगा, हिंद की चादर तेग बहादुर साहब को बोला गया था, और हिंद की चादर को ओढ़ के वो आदमी निकला हुआ है, उनकी तरफ बाबा जी का आशीर्वाद है, और वो देश बहुत मजबूत होगा और देश बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ जी, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को बोला जाता है, उनकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। जो ये आज, मेरी बात सुनो, जो आज हमारे देश में मुगल थे, पर आपको ये बात पता है कि गुरुद्वारे की, अमृतसर की नींव किसने रखी थी? पता है आपको? मियां मीर साहब ने, जो एक मुसलमान थे। वो क्यों रखवाई गई थी आप जानते हो? वो इसलिए रखवाई गई थी कि हमारे मुल्क में दोबारा नफरतें जिंदा नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप बात करते हो, आज एक आदमी नीच हो सकता है, किसी का धर्म नीच नहीं हो सकता। और हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। पर औरंगजेब जैसे लोगों को, औरंगजेब जैसे कि लोगों की कब्रों के अंदर आज हम लोग थूकते हैं, और उसके बाद अगर किसी मुसलमान की आत्मा आहत होती है तो मुसलमान के मुंह पे भी थूकते हैं, जिसकी औरंगजेब के साथ खड़ा नजर आता है। जो आदमी औरंगजेब के साथ खड़ा होगा, हम उसके मुंह पे भी थूक देंगे, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो भगवा हो या वो मुसलमान हो। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, यूएपीए जैसे कानून तो वही लाए हैं, बीजेपी ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो बीजेपी की हाय है, तो मचाने लगे। एक बात सुनना आप, बहुत सी चीजें होती है, शब्द होते शब्द, आप शब्दों को तोड़ के और मरोड़ के अगर पेश कर दोगे तो उसके मतलब बड़े अलग से निकल जाते हैं। समझ आई बात नहीं? बात आई तो आज मतलब के अंदर ढूंढना, शब्दों को गहराइयों तक जाना, ये बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम लोग जीएसटी भी लेके आए थे, पर उस जीएसटी के अंदर बहुत सारे प्रावधान थे। हमारे जीएसटी के दायरे के अंदर तो पेट्रोल भी जीएसटी में आ रहा था, आप समझो, पर इनके जीएसटी के दायरे में तो ऐसी चीजें आ गई जो आज लोगों को हजम भी नहीं होती। आज हमारे देश में महिला सुरक्षा के लिए जो इस्तेमाल होने वाले पैड होते हैं, उनको भी आज इन्होंने जीएसटी लगा के इतना महंगा कर दिया कि आज औरतों की भविष्य से मोदी सरकार खेलने को उतारू हो चुकी है। तो आज सोचने की बात यह कि हमारे देश के अंदर जब तक मोदी सरकार के जो मुनाफेदार लोग रहेंगे विद्यमान, यात्रा कश्मीर जा रही है, कश्मीर की तरफ बढ़ते जा, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि जब हमारे देश में सरकारें नहीं सुनती, जब हमारे देश में संसद में हमारी आवाज नहीं उठाई नहीं दी जाती, जब हम सड़कों पर निकलते हैं हमें लाठियां मिलती हैं, जब हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो हमें जेलों में भरा जाता है, तो उस जेलों में भरने के बाद हम लोगों को एक ही रास्ता समझ में आया कि मोहब्बत के पैगाम को सड़कों पर फैलाओ और लोगों को भाईचारे के द्वारा जोड़ो और देश को मजबूत करो। शायद लोगों के मुंह पे थूक रहे थे आप। मैंने बात बिल्कुल, मैंने जो औरंगजेब के साथ खड़ा है हम उसके मुंह पे भी थूक देंगे, वो कोई भी धर्म का हो, जो भी हो, कोई भी हो। औरंगजेब जैसा आदमी बात को समझना, जिसने गुरुओं को कत्ल किया। और आपको क्या लगता है, मेरी बात सुनो, पूरी बात सुन लो, आज हम उन हिंदू राजाओं की भी चिता के ऊपर थूकते हैं, जिन हिंदू राजाओं की, जिन्होंने, मेरी बात सुन लो, जिन्होंने 12 हिंदू राजाओं थे, 12 हिंदू राजा, आज लोग बोलते हैं कि औरंगजेब का विरोध करवा रहे हैं, हम तो उन विरोध भी करते हैं हिंदू राजाओं का जिन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। आप समझो, आज बाबा जी का कत्ल ऐसे नहीं हुआ, बाबा जी के आज, मेरी बात सुन लो, बाबा जी के बच्चों को मारने वाले जो लोग थे, आप समझना वो कौन लोग थे, बाबा जी के बच्चों को मारने वाले लोग उन हिंदू राजा भी थे शामिल जो औरंगजेब के साथ मिल गए थे, जिन्होंने पूरी खबर दी औरंगजेब का। आपको इतिहास पता नहीं, आप बात करते हो, आपको इतिहास पता नहीं है। आप किसी पाठी साहब का, मेरी बात सुनो, आप किसी पाठी साहब के पास जाओ, वो आपको इतिहास बताएंगे सिख धर्म का, कि 12 हिंदू राजाओं ने सुन लो पहले पूरी बात, 12 हिंदू राजाओं ने औरंगजेब का साथ दिया था, तब जा करके बाबा जी का कत्ल हो पाया। आप समझो, ये 12 हिंदू राजाओं ने क्यों चुगलखोरी की, क्यों मुखबरी करी, जहां जहां बाबा जी गए इन्होंने वहां पे बताया कि यहां पे पहुंच गए गुरु गोविंद सिंह जी, यहां पे इनका परिवार है, उनके परिवार को तितर बितर करने वाले हिंदू राजा थे।
औरंगजेब के दरवाजे पे जा करके जो गुलामियां करते थे, तो आज बदनाम कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल बदनाम के कर रहे हैं, वो इसी लाए गए। मैं क्या कह रहा हूँ, आज वो इसी लाए गए। देश निकाला हो जाएगा, देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। ये ज्ञान आप अपना अपने पास रखो, जय श्री राम। राम हमारे दिल में है, राम हमारे तन में है, राम हमारे मन में है, अल्लाह हमारे, मेरी बात सुन लो, अल्लाह हमारी रग रग में है और वाहेगुरु हमारे साथ है। हम भारत है क्योंकि हम भारत हैं, आप समझो इस बात को। मुझी में कुरान है, मुझी में गीता है, आप समझना, मुझी में बाइबल है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं बड़े पूरा देश हूँ। वो मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। आज जब एक इंसान की बात होती है, इंसान तो किससे चलेगा? इंसान इंसानियत से चलेगा, इंसान संविधान से चलेगा, इंसान इंसानियत से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये दो बातें आपको समझने की जरूरत है। इंसान के लिए इंसानियत होनी बहुत जरूरी है, इंसान के लिए इंसानियत होनी बहुत जरूरी है, और देश के लिए संविधान होना बहुत जरूरी है। और आज उस संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे लोग जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और धर्म को और इंसानियत को बचाने के लिए आज राहुल गांधी देश को बचाने के लिए सड़कों पर है। जिस एक भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, वो देश में धर्मों को बचाना भी है, वो संविधान को बचाना भी है, वो लोगों के लिए न्याय की आवाज उठाना भी है। जय हिंद, जय भारत। मैं गिन्नी सहानी।